हमारी एक ही मांग है 50 बैठ करो और 30 पर लागू करो। इनको सशक्तिकरण करना है महिला का तो पहले राजनीति में करो, पहले विधानसभा लोकसभा चुनाव में करो, सरकार की कैबिनेट में करो, उसके बाद सभी भर्ती में करो। यहाँ तक घी टेकी मामले नहीं रखने देंगे कतई। अच्छा है ना, बहन आगे जाएगी, बहन आगे जाएगी तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाओ, वो महिला सशक्तिकरण वहाँ से होगा। बचना स्वयं की कुर्सी बचाए और युवाओं का विभाग छिन्नने हम कह रहे हैं। जब ये फैसला आया तो आप लोग कितनी तैयारी करे थे, क्या कुछ हम पिछले दो साल तैयारी करे, अगर इनको लागू करना पहले 20 करो, तैयारी करे पिछले दो साल से तैयारी करे। महिलाओं को 50% आरक्षण, एक सर्विसमैन को 12% और टीएसपी एरिया को 12%, 2% खेल कोटे को, 4% विकलांग कोटे को, इस प्रकार 80% आरक्षण हो गया है। सिर्फ पुरुषों के लिए 20% है, उसमें भी महिला और पुरुषों दोनों मिलके 10% सीटें बचेगी, तो उसमें से बीएसटीसी के लड़कों को क्या कहना चाहते हो? हम सरकार को ये मीडिया वापिस दे। वीडियो में इस व्यक्ति की बातें सुनकर तो आपको ये लग रहा होगा कि ये महिला विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दिनों सोशल मीडिया पर हैशटैग पुरुषों का हक मत मारो खूब ट्रेंड कर रहा है। असल में इन सभी को शिकायत राजस्थान सरकार के एक फैसले से है। कई महिलाएं भी एक्स पर पोस्ट कर इन पुरुषों का साथ दे रही हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 14 जून को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया था। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को इससे पहले 30% तक आरक्षण मिलता था। इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को इसी दिन मंजूरी भी दे दी। बता दें राजस्थान के शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड टीचर के 29,272 पोस्ट खाली हैं। इसकी लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है। जल्द ही अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचरों की भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके तहत प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के खाली पोस्ट को भरा जाएगा। हनुभवानिया नाम के एक यूजर ने लिखा, सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लड़कियों को किसी दूसरे भाई के हक की जॉब नहीं चाहिए। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं तो यहाँ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? लड़का लड़की दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। इसी तरह वंदना मीणा नाम की एक यूजर ने लिखा, महिला आरक्षण 50%, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण 12.5% और विकलांग आरक्षण 4%, अनारक्षित 33.5%, शेष 13.5% में लड़कों को क्या मिलेगा? आस्क नाम की यूजर ने लिखा कि महिला को 50% आरक्षण का काला कानून वापस लेना पड़ेगा। आज बोला है ये एक दिन सच साबित होगा, आंदोलन ही रास्ता है। गणेश भामू नामक यूजर ने लिखा, अभी वक्त है एक होकर आवाज उठाने का। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।